पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक भेड़िया जादुई दवाई पीकर एक भेड़ में बदल जाता है और पहाड़ से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसके बाद जब ये अपनी आंखें खोलता है तो एक प्यारी भेड़नी इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। ये दूसरे भेड़ों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये भेड़ों की गाँव में आ गया होता है। इससे मजबूरन इन भेड़ों के साथ रहना पड़ता है और जब इसे भूख लगती है तो ये जबरदस्ती हरी घास खा रहा होता है। तभी इसे वो जादुई खरगोश दिख जाती है जिसने इसे भेड़िए से भेड़ बना दिया होता है। ये भेड़ जब तक उस खरगोश के पास जाता है तब तक वो खरगोश कहीं छुप जाती है तो ये भेड़ इसके गाड़ी के अंदर से सारी जादुई दवाइयां निकाल कर पी लेता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं बदलता है। फिर एक दिन ये भेड़ अपने दोस्त भेड़िया से मिलता है, इसे सब कुछ बताता है। उसके बाद इसकी दोस्त उस खरगोश को ढूंढती है। दूसरी ओर भेड़ियों ने भेड़ों पर हमला किया होता है तभी इसकी दोस्त वहाँ आकर इस भेड़ को वो जादुई दवाई दे देती है जिसे पीकर ये भेड़ फिर से एक ताकतवर भेड़िया बन जाता है।